हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं सिद्धार्थ टेक। तो दोस्तों, आज का जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको अगर अकाउंट खोलना जरूरी है अभी के समय पे, जो कि कोरोना के चलते काफ़ी बैंकों में अकाउंट ओपनिंग नहीं हो रहा है दोस्तों, तो अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप घर बैठे भी कर सकते हो। वो भी काफ़ी 3 मिनट में ही आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो दोस्तों। तो देखिए, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे अपना अकाउंट ऑनलाइन खोल सकते हो, और आपको ऑनलाइन अकाउंट खोलने के बाद आप उस अकाउंट में आप तुरंत ही ट्रांजैक्शन कर पाओगे। जैसे कि आप चेक डिपॉजिट भी कर पाओगे, आप फंड ट्रांसफर भी कर सकते हो, आप बहुत सारे जो एटीएम्स वगैरह है वो भी आप प्राप्त कर सकते हो अगर आप ये अकाउंट खोल लिया तो। तो उस अकाउंट का नाम है दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का अकाउंट है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ही चलाती है। पोस्ट ऑफिस अकाउंट है, तो पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलने का तरीका काफी सिंपल है दोस्तों। अगर आप देखेंगे बहुत जगह पे तो अकाउंट ओपनिंग के काउंटर्स बंद है दोस्तों। तो आपको अगर जरूरत है अकाउंट्स की, तो आपको बता दें कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आधार एनेबल अकाउंट ओपनिंग कर रही है, जो कि काफी सिंपल है, और वही इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप कैसे अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो। वो भी एक ऐप के जरिए 3 मिनट में आप अपना अकाउंट खोल सकते हो, और अकाउंट खोलने के बाद आपको आपका अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी तुरंत ही मिल जाएगा दोस्तों, तो आप अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो काफी हेल्पफुल होने वाला है इस वीडियो को देखकर, आप काफी अच्छा लगने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा देखें, और पूरा देखने के बाद कमेंट में लिखकर भेजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए पोस्ट ऑफिस का सेविंग खाता हम खोलते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट खोलेंगे, जो कि पोस्ट ऑफिस के नाम पे जाना जाता है। तो आपको सर्च बार में IPP लिख देना है, जैसे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो यहाँ पे देखिए, ये ऐप मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पर 4.1 का रेटिंग है, अच्छा खासा रेटिंग है। और आपको क्या करना है, पहले तो ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपका बैंक आपके द्वार, तो यहाँ पे हम न्यू अकाउंट खोलने वाले हैं दोस्तों। तो ओपन योर अकाउंट नाउ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद ये देखिए, डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम और पैन नंबर आपका इंटर कर देना है। तो यहाँ पे पैन नंबर इंटर किया है दोस्तों मैंने, तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें OTP रिसीव होगा, जो हमने मोबाइल नंबर इंटर किया था। तो यहाँ पे OTP आ गया दोस्तों हमें, 4060271। तो ये OTP आ गया, इंटर कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे आधार नंबर, आधार वर्चुअल आईडी, तो आधार नंबर पे आपको क्लिक करना है। आपका आधार कार्ड का जो नंबर है ऊपर का, वो आपको इंटर कर देना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे, ओके, आपने इंटर किया, तो वापस री इंटर आधार नंबर, तो वापस से आपको आधार नंबर इंटर कर देना है। तो यहाँ पे मैंने आधार नंबर इंटर कर दिया। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए है, आई डोंट हैव आधार बेस्ड OTP अकाउंट विथ एनी बैंक, आई हैव बी गिवन माई कंसेंट फॉर ऑथेंटिकेशन फॉर ओपनिंग अकाउंट थ्रू OTP। ओके, यहाँ पे क्लिक कर देना है, सबमिट पे क्लिक कर दे, यहाँ पे दोनों पे क्लिक कर देना है, टर्म्स एंड कंडीशन है दोस्तों। तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और एक OTP आएगा हमें, रेफरेंस नंबर जनरेट हो चुका है हमारे अकाउंट ओपनिंग का। तो देखते हैं, यहाँ पे OTP आ गया हमें, तो सिंपली आपको OTP इंटर कर देना है। जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस, नॉमिनी डिटेल्स, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे 5 जो डिटेल्स है वो आपको फिलअप करना है फुलफिल। तो यहाँ पे देखिए मेरा नाम आ गया आधार नंबर पे। तो यहाँ पे आपका मदर, मेडन नेम, हस्बैंड, वाइफ नेम, जो भी है आपको इंटर कर देना है। जैसे कि
मदर्स नेम डालना है आपको। मैंने मदर्स नेम डाला और यहाँ पे मदर्स मेडन नेम डालना है आपको, और यहाँ पे मदर्स नेम डालना है। तो फादर्स नेम भी यहाँ पे आपको इंटर कर देना है, और यहाँ पे ईमेल आईडी देना है जो आपको रजिस्टर करना चाहते हो आप उस अकाउंट में। तो ये अकाउंट में आप ईमेल आईडी ज़रूर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे वक्त आपको एसएमएस पे ओटीपी ना होने के कारण ईमेल में भी आ सकता है, तो यहाँ पे सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे, यहाँ पे मार्क ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस दिया गया है। यहाँ पे देखिए सेम एज अ परमानेंट एड्रेस, जो मेरा आधार पे दोस्तों मेरा एड्रेस था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिट्रैक्ट हो गया है, आ गया है, तो सेव कर देना है। जैसे ही सेव करेंगे, नॉमिनी डिटेल्स करेंगे, तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, डू यू वांट टू इंटर नॉमिनी डिटेल्स, यस और नो करना है। अगर आपको यस करना है तो यहाँ पे यस कर देना है, और यहाँ पे आपका जो भी आपको नॉमिनी करना है उनका डिटेल्स लिख देना है। जैसे कि मैं मेरे मदर का नॉमिनी करने वाला हूँ, तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जन्म तारीख भी इंटर कर देना है। तो काफ़ी सिंपल तरीका है दोस्तों यहाँ पे अकाउंट ओपन करने का। तो यहाँ पे जन्म तारीख लिख लीजिएगा आप, उसके बाद आपको पूरा मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे जन्म तारीख, यहाँ पे जन्म तारीख मैंने इंटर किया, यहाँ पे जून, तो यहाँ पे मैंने जन्म तारीख इंटर किया, रिलेशन जो है मदर, एड्रेस सेम, तो यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद देखिए नॉमिनी डिटेल्स में भी मार्क आ गया, ग्रीन मार्क। एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालना है यहाँ पे, इंडियन, आप अनमैरिड हो, मैरिड हो तो अनमैरिड हो, और ऑक्यूपेशन टाइप क्या है आपका, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट कीजिएगा आप स्टूडेंट, ग्रॉस इनकम नहीं है तो सेव कर देना है। तो यहाँ पे सॉरी, एजुकेशनल लेवल आप जो भी आपका एजुकेशनल प्रोफेशन है वो आपको डालना है, तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ तो यस कर देना है, नो कर दिया यस, और एनुअल ग्रोथ, एनुअल इनकम भी डाल दीजिए जो भी आपका एनम रहेगा, सेव कर दीजिए ओके। उसके बाद अकाउंट इन्फॉर्मेशन आ गया, तो यहाँ पे देखिए रिक्वायर एन अकाउंट स्टेटमेंट, यस कर देना है आपको, ऑनलाइन ही करना है। और यहाँ पे रिसीव डेबिट इन पीबीबी अकाउंट, आईबीबी अकाउंट, तो यहाँ पे नो नो करने का है दोस्तों, क्योंकि अगर आपका सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का अकाउंट होगा तो आप एक ही अकाउंट रखिएगा, तो आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आ गया है, बैंकिंग ऑप्शन, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग, मिस कॉल बैंकिंग, यहाँ पे सब हमारा डिटेल्स आ गया दोस्तों, तो यहाँ पे कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आपको ओटीपी आ जाएगा, तो ओटीपी हमें इंटर कर देना है। तो यहाँ पे ओटीपी इंटर कर दिया, तो उसके बाद तुरंत ही आपको ओटीपी आने के बाद ये देखिए दोस्तों, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। देखिए यहाँ पर कस्टमर आईडी जनरेट हो गया, अकाउंट नंबर भी जनरेट हो गया, अकाउंट डिटेल सेंड टू द कस्टमर रजिस्टर्ड मोबाइल, तो मुझे एसएमएस में भी आ गया है दोस्तों अकाउंट नंबर एंड कस्टमर आईडी। तो काफ़ी सिंपल तरीका था दोस्तों ये, और घर बैठे आप कर सकते हो, और आपको केवाईसी भी करनी होगी आपके पोस्ट ऑफिस, नियर बाय पोस्ट ऑफिस में जाकर आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड का